नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम डोगरा विचित्रा एंटरप्राइजेस की साइड से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने काफी बार लोगों को कहते सुना होगा या सोलर एक्सपर्ट्स को सुना होगा और काफी आर्टिकल्स काफी न्यूज भी फ्लो होती है मार्केट में कि आप सोलर पावर प्लांट अपने छत पे लगाइए और अगर आपका एक्सेस एनर्जी है, अगर आपकी सोलर पावर प्लांट ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है आपके घर के लोड से, तो आप उस एनर्जी को बेच भी सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जानना तो बनता है कि ये प्रोसेस होता कैसे है, कि कैसे हम लोगों की मीटरिंग होती है, कैसे हम लोग देखेंगे कि कितना एनर्जी हम लोग अपनी डिस्कॉम को, अपनी जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है आपके वहां, उसको बेच रहे हैं और उससे हम लोग कैसे पैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे हमें पैसे मिलेगा। और इस प्रोसेस को जो है वो नेट मीटरिंग बोलते हैं और नेट मीटरिंग के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। नेट मीटरिंग होता क्या है, ये कंसेप्ट क्या है, सारा नेट मीटरिंग के बारे में जानते हैं। अच्छा दोस्तों, जनरली यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि नेट मीटरिंग जिन पावर प्लांट्स में आपका ग्रिड इन्वॉल्व है, ग्रिड मीन्स जो आपकी जहां से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्ट होता है, जो आपका सोलर पावर प्लांट आपके एनर्जी बोर्ड की सप्लाई से कनेक्ट हो रहा है, इसको ग्रिड, ऑन ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, इनमें आपका नेट मीटरिंग यूज होता है। अब नेट मीटरिंग होता कैसे है, इसमें क्या है, आपका ग्रिड से कनेक्ट हो गया आपका पूरा सिस्टम, तो आपकी अगर एक्सेस एनर्जी बन रही है, अगर आपकी घर का जितना लोड है उससे ज्यादा एनर्जी बन रही है, तो आप ये एनर्जी ग्रिड को दे सकते हैं, आप अपनी डिस्कॉम, अपनी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को ये एनर्जी दे सकते हैं, तो इसको आपने एक्सपोर्ट किया है, ठीक है। और अगर आप लोगों का लोड ज्यादा है, अगर आपका घर का लोड ज्यादा हो रहा है जितना जनरली आपकी सोलर प्रोड्यूस कर रही है उससे ज्यादा अगर लोड है, तो आप ये एनर्जी ग्रिड से ले सकते हैं। तो ये क्या है, बायडायरेक्शनल एक आपका फ्लो है एनर्जी का, मतलब आपके सोलर से ग्रिड में जा रही है जब एक्सेस है, और जब कम है, जिस टाइम पे आपकी लोड कम है, एनर्जी कम है, सोलर की एनर्जी कम है, आपके लोड ज्यादा है, तो आप ग्रिड से भी ले रहे हैं, तो एक साइड आप दे रहे हैं तो ये एक्सपोर्ट हो गया, और वहां से अगर ग्रिड से ले रहे हैं तो इम्पोर्ट हो गया। तो इन दोनों का जो आपका डिफरेंस है वो नेट मीटरिंग में आता है, ठीक है। अगर आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, अगर आपने ज्यादा एनर्जी ग्रिड को प्रोवाइड करी है, तो आपको कुछ प्राइसेस आपकी तरफ आपको डिस्कॉम देगी। अगर आपका जो आपने ग्रिड से ज्यादा लिया है, ज्यादा इम्पोर्ट किया है, तो आपने ग्रिड को पे करना है, आपने डिस्कॉम को, आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको पे करना है, बट ये जो पेमेंट होगा वो उन दोनों के बीच का नेट डिफरेंस जो रहेगा उसका ही पेमेंट होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जैसे डिस्कॉम है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उनको हम हर मंथली या फिर दो मंथ में पे करते हैं, ऐसा वो आपको पे नहीं करते जनरली, तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, पूरे साल भर में जो आपका लेना देना रहेगा वो बनता है, वो आपको देंगे या फिर वो भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो वो उसका कुछ प्रोसेस रहता है जो आपकी अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अलग अलग स्टेट का अलग अलग है। और दोस्तों, ये तो ठीक है, आपने समझा कि नेट मीटरिंग क्या है, कैसे हमें पेमेंट करना है, लेकिन नेट मीटरिंग में हमारा कितना इम्पोर्ट हुआ है, कितना एक्सपोर्ट हुआ है, ये चेक कैसे करते हैं, इसके लिए यूज होता है एक बायडायरेक्शनल मीटर। बायडायरेक्शनल मीटर आपको आपके डिस्कॉम से ही मिल जाता है, बट उसके लिए आपको पे जरूर करना है या फिर आपको खरीदना पड़ता है, और उसको जो कमीशनिंग करेंगी वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही आपका लगाएगा उसको, ठीक है। तो ये एक बायडायरेक्शनल मीटर है जिसमें आपने कितना दिया है उसका भी मीटर रीडिंग रहता है, और कितना आपने डिस्कॉम से, कितना आपने ग्रिड से लिया है उसकी भी मीटर रीडिंग उसमें रहती है। तो ये बायडायरेक्शनल मीटर है जिसमें आप चेक कर सकते हैं, जैसे जनरली हमारे घरों में भी मीटर लगा होता है, बट वो यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शनल है, मतलब हम लोग ले रहे हैं ग्रिड से तो वो ही उसमें यूनिट्स आती है कि हमने कितना यूज किया है, बट इसमें एक बायडायरेक्शनल मीटर है जो दोनों साइड से, बायडायरेक्शनल से हम समझ सकते हैं कि बाई मतलब दो डायरेक्शन वाला, तो हम कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं, दोनों उसमें रहता है, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट्स हम चेक कर सकते हैं, उसमें सब कुछ दिया रहता है, डिजिटल मीटर रहता है, डिजिटल। और दोस्तों, फिर इसके बाद आता है इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस जान लेते हैं, काफी लंबा ये प्रोसेस रहता है, जैसा कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व रहती है, आपकी
जो भी डिस्कॉम है, मोस्टली स्टेट्स में तो गवर्नमेंट एजेंसीज ही हैं, जैसे उत्तराखंड में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपी में यूपी उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मोस्टली आपकी जो डिस्कॉम है वो गवर्नमेंट एजेंसीज ही रहती हैं, तो उसका प्रोसेस रहता है, लेंदी प्रोसेस है ये, तो इस प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं कि कैसे होता है। इसमें आपने डिसाइड किया कि मेरे को आज सोलर पावर प्लांट लगाना है अपने छत पे, तो हमने ठीक है आपका लोड कैलकुलेशन होगा कि आपका घर का लोड कितना है, और साथ में आपका जो आपने मीटर लिया हुआ है, आपका जो घर पे मीटर लगा है वो 2 किलोवाट का है, 3 किलोवाट का है, 5 किलोवाट का है, उसके अकॉर्डिंग आप सोलर पावर प्लांट अपना ले सकते हैं। ये भी पॉलिसीज की कितना मैक्सिमम आप सोलर पावर प्लांट ले सकते हैं ये भी डिफरेंट है हर स्टेट में, तो ज्यादातर आपका जितना मीटर है उतना ही आप सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं अपने रूफ टॉप पे। ठीक है, आपने सोलर पावर प्लांट डिसाइड किया कि हाँ मेरे को इतने का सोलर पावर प्लांट चाहिए अपने घर पे, इतनी मेरी लोड है, इतना मेरा सारा इतना मेरी पावर नीड है, उसके अकॉर्डिंग आपने सोलर पावर प्लांट अपने छत पे लगाया, और वो ग्रिड कनेक्टेड आप लगाना चाह रहे हैं, मोस्टली ग्रिड कनेक्टेड में ही क्योंकि नेट मीटरिंग होता है, तो ग्रिड कनेक्टेड आपने लगाने की सोचा, तो आपने कंसल्ट किया किसी सोलर की कंपनी को जो कि आपके घर पे सोलर पावर प्लांट लगाएगी। साथ में ही अगर आपको नेट मीटरिंग लगानी है, नेट मीटरिंग आपको करवानी है, तो आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कि आपको नेट मीटरिंग करवानी है। उसके बाद क्या प्रोसेस रहता है, उसके बाद अगर आपकी आपके जो एरिया है आपका, जिस भी एरिया में आते हैं स्टेट वाइज, तो उस अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग देख के, उसके अकॉर्डिंग चेक करके आपके एसडीओ हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एसडीओ हैं, जो भी उनके ऑफिसर हैं, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर हैं, वो चेक करेंगे कि हाँ आपके घर में आप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। जैसे कि क्या होता है, आपका ट्रांसफॉर्मर होता है, एक एरिया का ट्रांसफॉर्मर रहता है, तो उस ट्रांसफॉर्मर में कितनी कैपेसिटी है, वो ट्रांसफॉर्मर क्या ग्रिड से क्या वो एक्सेस एनर्जी ले सकता है, उतनी कैपेसिटी उसकी है या फिर एक्सीड तो नहीं कर रहा है, या वो सारा ये पैरामीटर वो लोग चेक करते हैं, और भी काफी पैरामीटर्स उनके रहते हैं कि हाँ आपकी मीटर कितने का है, क्या है आपका, सब वो लोग डिटेल्स चेक करेंगे, वो उनके अकॉर्डिंग रहता है, तो वो चेक करके आपको अप्रूवल देंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका एक नेट एग्रीमेंट साइन होता है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एग्रीमेंट है जो कि साइन होगा आपके एसडीओ, आपके इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एसडीओ के साथ में। ठीक है, अब आपका नेट एग्रीमेंट जो है वो साइन हो गया है अथॉरिटी के साथ, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अथॉरिटी के साथ आपका नेट एग्रीमेंट साइन हो गया है। अब इसके बाद आप आराम से अपना सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, आप किसी भी सोलर पावर प्लांट लगाने वाली कंपनी से लगवा सकते हैं। और दोस्तों, ये लोग भी, मतलब जो भी कंपनी है जो लगा रही है फर्म आपके वहां, तो वो भी काफी हेल्प करती है इस नेट मीटरिंग की प्रोसेस में। तो अब आपका सोलर पावर प्लांट भी लग गया, फिर उसके बाद फाइनल प्रोसेस है नेट मीटर लगवाने का आपके घर पे। तो फाइनल इसमें क्या होता है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके जो ऑफिसर्स हैं वो लोग ये नेट मीटर आपके कमीशन करेंगे, वो लोग लगवाएंगे, तो उनके देखरेख पे ये काम होता है। तो उसमें क्या होगा, आप नेट मीटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में अगर अवेलेबल है, आपकी सप्लाई जो भी हेडल है उसमें अगर अवेलेबल है तो वो लोग आपको प्रोवाइड करवाएंगे, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप बाहर से भी खरीद सकते हैं, और खरीदने के बाद आप कंप्लाई करवाएंगे, स्पेसिफिकेशंस चेक करेंगे वो लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले, तो फिर उसके बाद आप अपना नेट मीटर लगवा सकते हैं। तो फाइनली आपके घर पे वो 3-4 दिन में आएंगे कंप्लाई होने के बाद, तो नेट मीटर आपके सोलर पावर प्लांट के साथ और ग्रिड के साथ में कनेक्ट हो जाएगा, और इसके लिए जो आपका पुराना मीटर है, यूनिडायरेक्शनल मीटर है, उसको हटा के ये नेट मीटर लगता है। फिर इसके बाद प्रोसेस सेम ही है कि अगर आपके मंथली आपने कितना यूज किया है, कितनी ग्रिड से आपने सप्लाई ली है वो भी उसमें आ जाएगा, और कितना आपने सोलर से एक्सेस जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो उनको दिया है, जो ग्रिड को दिया है, वो भी उसमें मीटरिंग में आ जाएगा, वो यूनिट्स आपको दिख जाएंगे, और आपका बिल जो है वो इन दोनों के बीच की जो नेट मीटर के बीच की जो नेट यूनिट्स हैं दोनों के, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, उसके अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस था दोस्तों सारा का सारा नेट मीटरिंग का। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि नेट मीटरिंग होता क्या है और प्रोसेस कैसे है।
तो आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करिएगा, और किन टॉपिक्स पे आप मुझसे वीडियोस चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा जरूर। तो फाइनली दोस्तों, इट्स टाइम टू से बाय बाय, थैंक यू।